ये सब अनरियल चल रहा है एकदम ही। थोड़ा कुछ रिवील कुछ। हाँ मैं बता देता हूँ ना। और फाइनली हम लोग आ चुके हैं शोरूम में। गाइस वेलकम बैक गाइस सभी लोग अंशुपेश व्लॉग्स के एकदम ब्रांड न्यू व्लॉग में। और आज है एक बहुत ही ज्यादा बड़ा दिन मेरी लाइफ में। मजाक नहीं करूंगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था जो आज होने वाला है। तो आई डोंट थिंक सो मेरे को छुपाने की भी जरूरत है, क्योंकि आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं। आज हम लोग लेने जा रहे हैं अपनी पहली सुपर कार। भाई मैं मजाक भी नहीं करूँगा, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है भाई। मेरे पास शब्द नहीं है, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ कि क्या होने वाला है आज, क्या नहीं होने वाला है। बट हम लोग अभी निकल रहे हैं सीधा दिल्ली के लिए, क्योंकि शोरूम जो है वो वहीं है। सो लेट्स गो, फटाफट से चलते। मैं रेडी हो चुका, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने आज क्या डाला हुआ है। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। गाइस मैंने डाली हुई है वामू वाली शर्ट, वाम गैंग। ये देखो तुम, अबे दिख रहा है साहब? हां बेटा, देखो वाम गैंग। इसके ऊपर से तो खैर जैकेट वैकेट आ जाएगी। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू जी। लमू यार, लमू मम्मी मेरे गुगली मुगली, मेरे गुगली मुगली। हां जी, गर्म पानी भी पी लेंगे। बट लेट्स गो, पूरे तैयार होते हैं और सीधा निकलते हैं। अभी देव भी आ जाएगा, हर्षी भी, और क्या कहते हैं बॉबी भाई भी आ जाएंगे। तो फटाफट से निकलते हैं। और कर रहा है तुम्हारा भाई, समझ रहे हो ना, ले रहा है तुम्हारा भाई। चलो गाइस, थार इसको हैरियर को बाहर लगाते हैं, क्योंकि हम लोग हैरियर से जाने वाले हैं। थार वहाँ खड़ी है, थार को अंदर लगा देते हैं हैरियर की जगह पे, और हैरियर को बाहर लगाते हैं, क्योंकि इसमें जाना है। चार जने ना आराम से चले जाएंगे। पापा ने भाई सुबह सुबह ही चमका दिए। पापा को बिल्कुल ही पसंद नहीं है भाई कि गाड़ी गंदी दिखे, बिल्कुल ही नहीं। अब चलो फटाफट से चलते हैं, हरदा को निकालते हैं बाहर और थारदा को डालते हैं अंदर। गाइस हरदा लग गई वहां, थारदा लग गए यहाँ। अब लास्ट एक जैकेट वैकेट डालते हैं और सीधे निकलते हैं दिल्ली को। क्यों देव बाबू, तुम्हें पता ना क्या हो रहा है आज? क्या हो रहा है बताना? अरे भाई साहब, भाई मेरे को तो अभी यकीन नहीं हो रहा, जब तक मेरे हाथ में नहीं आएगी ना गाड़ी तब तक मेरे को भरोसा नहीं होगा भाई, क्योंकि ये सब अनरियल चल रहा है एकदम ही। मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। भाजी पहला नहीं यार, मतलब कैसा होता है भाई सुपर कार लेने जा रहे हैं भाई, ड्रीम मतलब समझ रहे हो ना, जो सपना था भाई, सपना पूरा करने जा रहे हैं भाई। मेरे को तो जेन्युइनली मेरे को यकीन नहीं हो रहा है भाई कि हम लोग, मेरे को जब तक का मेरे हाथ में गाड़ी नहीं आएगी ना, जब तक मैं हैरियर की ड्राइविंग सीट से उसकी ड्राइविंग सीट में नहीं बैठूंगा दोबारा, तब तक मेरे को यकीन नहीं होगा कि हाँ ले लिए भाई, हो गया पूरा का पूरा काम। वैसे हम लोगों ने बाय द वे पेपर वर्क सब कुछ हम लोगों ने करवा दिया है, सब कुछ रेडी है पूरा सब कुछ, हमें अब गाड़ी ही लेनी है सीधे। सो थोड़ा कुछ रिवील कुछ। हाँ मैं बता देता हूँ ना गाड़ी कौन सी है। प्राइस रिवील कुछ, कलर, मॉडल? नहीं नहीं, निकनेम गाड़ी का कुछ कुछ तो रिवील करो, टाइटल मिलेगा ना। इट इज वन ऑफ माय ड्रीम कार्स, जो मैंने सोचा है कि एक बार लेनी है, बस यही, इससे ज्यादा मैं रिवील नहीं करूंगा। इससे ज्यादा तुम देख के ही अब सीधे देखना कि कौन सी गाड़ी है। ऐसे क्या पता थंबनेल में हो, या भी हो, जैसे भी होगा, मतलब पता नहीं, क्या पता हाँ थंबनेल में तो होगा ही शायद, या देख लेना जैसे भी होगा। बट हाँ, लेने जा रहे हैं सुपर कार। तो गाइस अभी हम लोगों ने गाड़ी यहाँ पे लगा रखी है और हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। बढ़िया ऐसा, भूख लग रही बहुत तेज, क्योंकि सुबह उठे थे, उसके बाद से कुछ नहीं खाया था। तो चलो चलते हैं और कुछ खाते हैं पहले। गाइस हम लोगों ने मंगाया हुआ है, मैंने मंगाया हुआ है छोले भटूरे, हर्षी ने मंगाया है आलू प्याज और लस्सी, मैंने मंगाई हुई है चाय, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब। बट भाई ये ऐसा टॉप नॉच हो रहे हैं ना, एकदम टॉप, और चाय भी ऐसी टॉप हो रही है। लस्सी और इसका नहीं पता मेरे को, ये खाऊंगा अभी मैं। बट ये छोले भटूरे भाई मजा आ गया। कैसा हो रहा है आलू का पराठा, कैसा हो रहा है? मस्त, मस्त हो रहा है ना, खाना सही हो रहा है ना? सबसे अच्छी लस्सी हो रही है। अगर मेरा गला सही होता मैं भी यही मंगाता, बट भाई ये चाय मेरे हिसाब से तो चाय टॉप हो रही है भाई। गाइस नाश्ता वास्ता सब कुछ हो चुका है, एंड बिलीव मी ब्रो, मतलब मैं करता नहीं हूँ ऐसा ज्यादातर, बट ये खैरा पंजाबी ढाबा भाई मैं मजाक नहीं करूंगा भाई, A1 ग्रेड। मैंने इतना बढ़िया रोड साइड ढाबे में खाना कभी नहीं खाया भाई, मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा। खास करके छोले भटूरे, मैंने
मेरे ख्याल से एक बचपन में एक जगह पे खाता था मैं, अल्दानी में, कही तो छोले भटूरे, उसके अलावा इससे बढ़िया छोले भटूरे मैंने कहीं नहीं खाए भाई। मतलब नेक्स्ट लेवल टेस्टी। कैसा हो रहा था? मस्त हो रहा था ना खाना भाई? बहुत टेस्टी हो रहा था भाई, भाई बहुत टेस्टी। और ये लोग लस्सी की तारीफ कर रहे थे भाई, लेकिन मैंने चाय भी दी, गला खराब हो रहा है। और मैंने तो भाई मैंने खीर मंगा दी, उन्होंने खीर फ्रिज की खीर खिला दी लास्ट में, बस खांसी ना हो, क्योंकि कुछ बढ़िया करने जा रहे, तबीयत खराब हो जाएगी, मजा नहीं आएगा, तुम समझ रहे हो ना। तो गाइस अभी हम लोग हैं दिल्ली के रास्ते में, अब मेरे को थोड़ी सी नींद आने लग गई थी क्योंकि हम सुबह से ही ड्राइव कर रहे हैं 7 बजे से, और अभी टाइम हो रहा है, टाइम दिखेगा क्या यहीं, देखो टाइम हो रहा है 3:34, और अभी भी हम लोगों को कहीं भी नहीं तो मान के चलो 3 घंटे और लगने वाले हैं। तो मैं तो थोड़ी देर सोच रहा हूँ 1 घंटा सो जाता हूँ, तब तक बॉबी भाई गाड़ी चलाएंगे, ठीक है बॉबी भाई? आराम से चलाना थोड़ा, नहीं रफ्तार से। चलो यार आराम से चला रहे, अब चलते हैं भाई, मैं सो रहा हूँ थोड़ी देर, बहुत तेज नींद आ रही है। गुड नाइट। दोस्तों मैं यहाँ पे बिलबिला रहा हूँ भाई, कि भाई यहीं से यूटर्न ले लेते ना अब आगे भाई यार, अरे तो ये भी तो यूटर्न भाई यार, मैं यहाँ बिलबिला रहा हूँ कि गाड़ी दिख जाए, बस गाड़ी मिल जाए भाई, फटाफट जाते हैं, क्योंकि हम लोग वैसे ही लेट है, 7 का अराइवल दिखा रहे हैं ये, इन्होंने भाई रॉन्ग टर्न भी काट दिया है, थोड़ी सी आग लगी मेरी, थोड़ी सी आग, और इन्होंने रॉन्ग टर्न काट दिया है और 2 यूटर्न आ चुके हैं, और कौन सा लेना है जो मैप में दिख रहा है भाई? यार बगल में यूटर्न है, काट लो ना यार। भाई मैं ऐसा फड़फड़ा रखा हूँ ना, मैं ही जानता हूँ अंदर से भाई, समझ रहे हो ना भाई? मैं काटूंगा, पहली सुपर कार भाई, आराम से चलाना ठीक है, मेरे को गाड़ी भी देखनी है आज, पता चला मैं काटता हूँ कहके। गाइस अब एक सीन हो गया है, अब इतने कोहरे में हम लोग जाएंगे कैसे रात को? अभी तो फिर भी लाइट है तो थोड़ा बहुत दिख रहा है, बट रात को क्या होगा यहाँ पे, तुम समझ रहे हो ना? हमें जाना और इससे भी गंदे रास्ते से, तुम समझ रहे हो? अल्दानी दिल्ली अच्छा हो गया है, बट बहुत जगह ऐसी, मैंने रात को ट्रेवल किया है बहुत बार, बहुत जगह ऐसी जहाँ पे स्ट्रीट लैंप्स भी नहीं है, तो तुमको फुल हाई बीम में वो सब करना पड़ता है, और भाई नीचे गड्ढे वड्ढे नहीं दिखे थे, तुम्हें भी पता है कि भाई स्पोर्ट्स कार सुपर कार्स का क्या होता है भाई। तो देखते हैं चलो अब ऐसे कोहरे में कैसे जाएंगे भाई, वो देख रहे हो पीछे, वहाँ देख रहे हो वहाँ की गाड़ियाँ दिख तक नहीं रही है, आगे गई हुई दिख रही है, मतलब कम दिख रही है। हम लोग फाइनली दिल्ली पहुंच चुके हैं और थोड़ी शाम हो गई है, और अभी भी वैसे कायदे से 1 घंटा और दिखा रहे हैं, हम लोग 7 बजे तक पहुंचेंगे, बट मेरे को डर एक ही चीज़ का लग रहा है, जो ये कोहरा है, मैं मजाक नहीं करूँगा, बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है। लाइक मैंने रात को ड्राइव करा हुआ है पहले भी बहुत ज़्यादा, बट मेरे को बस ये कोहरा देख के डर लग रहा है, क्योंकि ना फिर सीधी सी बात है गाड़ी और लो है तो फिर और ज़्यादा विजिबिलिटी कम हो जाएगी। तो देखते हैं हम लोग क्या करने वाले, कैसे करने वाले हैं, बट देखते हैं यार क्या होता है। सबसे पहले तो जाके अपनी गाड़ी तो देखे जरा, क्योंकि पेपर वर्क सब कुछ हो चुका है, जितना भी पैसे वैसे का काम था सब कुछ हो चुका है, अब बस हमें गाड़ी लेके आनी है। गाइस हम लोग फाइनली दिल्ली पहुंच चुके हैं, मेरी वॉच डेड है, बट अभी बज रहे हैं 8:15 के आसपास, अभी हम लोग आ रखे हैं यहाँ पे खाने के लिए, कुछ बढ़िया सा कुछ खाते, क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है, सुबह को एक पराठे नहीं छोले भटूरे के अलावा कुछ भी नहीं खा रखे, तो अभी चलते कुछ खाते हैं, फिर हम लोग की गाड़ी की डिलीवरी है, सीधे वहाँ चलते हैं। तुम लोगों ने एक्चुअली बता नहीं सकता मेरे अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि 1 घंटा और लगेगा उनको ऑलमोस्ट सारी प्रेपरेशन करने में, चीज़ें करने में, क्योंकि कोई भी नहीं है ना। अब देखो रात हो चुकी है प्रॉपर, ठीक है, अब सीन क्या हो रहा है कि सब लोग अपने घर जा चुके हैं, बट मैंने उनसे बोला कि मेरे को कल नहीं लेनी है डिलीवरी, वो लोग बोल रहे हैं आप कल ले लो प्रॉपर, एकदम धूमधाम से कर देंगे, बिल्कुल जितना हो सकता है, लाइक पूरा फ्लेयर व्लेयर कर देंगे, बट मैंने बोला भाई मेरे को जेन्युइनली घर जाना है, कैसे भी भाई मेरे को कैसे भी फटाफट से घर जाना है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रीम है हम लोगों की, वो कंप्लीट करनी है, तो इसकी वजह से मैं रात को ही ले रहा हूँ। अब देखते जैसे भी वो प्रिपरेशन करते हैं भाई, उनका लिटरली स्टाफ नहीं कुछ भी नहीं है, बट वो फिर भी हम लोगों के लिए पूरा का पूरा करने वाले, जो भी रात के 8 बजे का। सो लेट्स गो, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी के लिए तो कुछ खाते हैं भाई, क्या खाना है, कुछ भूख वूख लग भी रही है तुम लोगों को भाई? अरे इसकी तो शक्ल हमेशा ही रोटी मांग रही होती है ये बॉबी भाई। भाई ठंडा वंडा नहीं लग रहा है क्या भाई? तुम क्या खाओगी? तुम्हें भी भूख लग रही है? लग रही चले चिकन खाना है मेरे को, चिकन ही खाएंगे, चलो आओ पापी भी खा भाई। पापी लोग भाई, हम तो खाते हैं सिर्फ वेज भाई, वेज वाले बंदे हैं। तो गाइस ये खड़ी है अपनी गाड़ी, और फाइनली हम लोग आ चुके हैं शोरूम, मेरे सामने शोरूम है, और अभी हम लोग लेने वाले हैं रात के 8:30 भी नहीं 9 बजने वाला है भाई, रात के 9 बजे अपनी गाड़ी। मजा आ गया यार।